हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है गोवा जाने वाला दिन और ये रही हमारी पैकिंग। ये ऐसे हम लोग के और तीन बैग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और आज रात को यानी 25 तारीख को रात को 1 बजे की ट्रेन है हमारी। तो अभी 9 बज चुके हैं। हाँ, अभी 9 बज चुके हैं। तो हम लोग को पैकिंग करके फटाफट निकलना है और एक स्पॉट पे हम लोग सब लोग मिलेंगे। वहाँ से बस से हम लोग जाएंगे LTT स्टेशन और फिर वहाँ से आपको बताएंगे आज की जर्नी। चलिए तो मैं पैकिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मिलते हैं आगे। बाय। हम बैठे नहीं नहीं हम लोग नानी के घर जाते थे ना, तो ऐसे ही सूटकेस के ऊपर हम बैठ जाते थे और फिर सूटकेस बंद हो जाता था अच्छे से। हो गया। चलो आना। चलो तो ये रहे हमारे तीन छोटे बड़े सूटकेस। तो सामान हम लोग पास इतना नहीं है, लेकिन एज यू गाइस नो कि लड़कियों का लहंगा वहंगा थोड़ा सा हेवी और ज़्यादा स्पेस लेता है, तो ये पूरा डेडिकेटेड है आरती को। अरे ये इसमें मेरे दो ब्लेजर हैं छोटे वाले, और इसमें मेरे और आरती के जो डेली के और थोड़े बहुत इधर उधर कपड़े और शूज, और ये छोटा सा आना का है ना। आना सुनती मेरा वाला बैग किधर है जो हम लोग ने लिया था? टच। हाँ टच करो, तुम्हारा ही तो है टच। हाँ, और साथ में ये दो लगेज बैग की है, एक ये लगेज बैग है और ये हैंड बैग है। ये लगेज बैग में आरती का खाऊ का सामान है, जिसमें आरती का एक सेकेंड वो बेबी बैग है और आना के लिए पूरी रखी है, लेकिन इसमें मंचिंग का सामान रखा हुआ है सारा। हाँ, जबरदस्ती बदनाम मत करो। बस ये छोटा सा हैंडबैग, इसमें क्या है? चार्जर। इसमें वो डेली का जो यूज में आने वाला सामान, चार्जर हो गया, चार्जर, ग्लेयर्स, वॉच ग्लेयर्स, मेरा वॉलेट, आपका वॉलेट। बस चले, चलो निकलते हैं, फिर आगे का आपको पहुंच के बताएंगे। क्या हुआ बच्चा? टैटू आ गई। ओके, पौने 9 बज रही है, हम लोग को 9 बजे वहां पहुंचना है, आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा। और आना को लगी है। आना क्या आया बच्चा? क्या है तुमको? आना को टैटू आया। और ये कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई जरूरी काम से जा रहा है और आना को टैटू ना आए? आना और आना की मम्मी ना। चलो बाय बाय, आगे मिलते हैं ना। चल गए हम लोग। Yes, ready, go, 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 yeah! गणपति बाप्पा बोलिया। बोलो। Being very good girl. Hi Abhyog. Namaste Aditya ji. Yes, good. भोपाल से एकदम डॉट टाइम पे आए हैं आदित्य जी, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं कि डांस सिखाया जाए। गाइज लगेज बहुत ज्यादा है सबका, आपको हेड काउंट के डबल है। पाँच, चार लोग में छह, कितना लगेज है श्रिया? कितना लगेज है? नौ। ये चार लोग, छह लोग में नौ। चाची आपका? छह लोग में दस है। सात लोग में सात अटैची, तीन है। ये रिकॉर्ड तोड़ा लगे लेके आए। हाँ, ट्रिप पहचान गया। लोग ढूंढ रहे कोई ट्रॉली वाला मिले जो सामान लेके जाए। कहाँ जा रही हो? गोवा। पहुँच गए। पहुँच गए स्टेशन LTT। हमको लोग दिखाना है। बाबा ये पूरी फैमिली आई है।
जल्दी सजा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन का, तो आना ट्रेन में बैठी थोड़ा रोना चालू कर दी थी और फिर आना की मम्मी को लेके सो गई। क्योंकि रात को ट्रेन 1 बजे की थी तो सुबह सब लोग सो ही रहते और मैं उठ गया था, और मैंने उठते ही ट्रेन वाली 2 चाय भी पी ली। रौनक मामा है आना लेट आए, इसी के लिए लाए थे, इसी का नाटक है। बाकी सब लोग का लिए चाय में बोर के खिलाओ, मीठी चाय में, मीठी चाय बोर के खिलाओ, चाय एक पी चुकी। उसके ऊपर बैठ जाते थे और फिर यही पत्ता खेलते। हाँ, इधर दोनों के बीच में चादर लगा के पत्ता खेलते थे। वो तो चलो, पहले तो एक दो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे तो नीचे अटैची बिछा देते थे, उसके ऊपर चादर बिछा के एक जन बीच में सोता था। बहुत मजा आती थी, है ना मम्मी? हाइड एंड सीक कितना खेलते थे इधर उधर से, फिर बाहर जब बाजू की सीट वाला कोई चिल्लाता था, फिर हम लोग कल रात को आए, फिर हम लोग ऐसे करते थे, डब 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 डब, बाजू वाले को परेशान करते, डब 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 डब। और अभी के बच्चे फोन में अभी काफी डिस्टर्ब रहता है। अभी से मैहर से हमको आने का था लास्ट टाइम, हम लोग को मैहर से कल्याण के लिए, हाँ। तो ऑनलाइन दिखा रहा था कि पोजीशन ऑफ योर कोच इज नंबर 20, मतलब फ्रॉम द इंजन। हम लोग उसके हिसाब से, बट स्टेशन पे जो डिस्प्ले आया उसके हिसाब से मेरा जो कोच था वो 4th नंबर पे, तो हम लोग वहाँ जाके खड़े हो गए। ये मेरा आगे है, और जब ट्रेन आई तो पता चला कि यहाँ डिस्प्ले जो है रॉन्ग है, और जो पहले 20 नंबर पे था हम लोग सही जगह खड़े थे। ट्रेन का स्टॉप इज फॉर ओनली 2 मिनट्स, मैं कैसे 15 कोचेस क्रॉस करूँ। तो मुझे जो सामने को था उसी में चढ़ना पड़ा, स्लीपर क्लास था, 2nd क्लास, और फुल मतलब वो नाइट का टाइम, मतलब इवन द कॉरिडोर पीपल वर स्लीपिंग। अब मैं इतना स्ट्रगल करके पहुंचा वहां से, 15 कोच अंदर ही अंदर क्रॉस करके, वो तो अच्छा इंटरकनेक्टेड रहता है तो फटाफट हो जाता है। और जब इसी की बात करो तो इसी का यूजुअली दरवाजा बंद रखते हैं, बराबर, वहां पे भी मुझे नॉक करना पड़ा कि भाई खोल दो, फिर वो अंदर आने दो। उसने एक बंदा था, उसने खोला, तो मैं गया अंदर। तनु आराम से उसके सर में लग गया थोड़ा सा। हाँ बेटा, ये रिद्धि है, सिद्धि है, श्रीनी का है और रिद्धिता है। सब ऐसे ही बैठे क्योंकि किसी को वॉशरूम नहीं जाना। 6534 कर दे, नहीं वो तो कॉलेज थी, ये थी 2662 कोना चौधरी। फर्स्ट एसी में डबल कूपे मिला है, इसमें डबल कूपे क्या होता है, डबल कूपे है इसमें क्या बोलते हैं, एक लोअर सीट रहता है और एक अपर सीट रहता है, करेक्ट। पूरा प्राइवेट डेक है जहाँ पर ये लोग ने बहुत एक्सक्लूसिवली पूरा सब कुछ इन्होंने फैसिलिटेट किया है, करेक्ट, फॉर डाइनिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज सो गुड। कैबिन भी ये लोग ने काफी अच्छे से वेल मेंटेन रखा था। पेंट्री में हम लोग ने ब्रेकफास्ट बुक कर दिया, तो दे हैव फैसिलिटेटेड द ब्रेकफास्ट बाय 11:30 AM। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वी आर एक्सक्लूसिवली मतलब वेल सेटल्ड हो गई यार। तो वी आर, सबसे अच्छा ये है कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली किड्स स्पेशली, तो आप लोग किड्स वेल सेटल्ड है, दे आर एक्सक्लूसिवली ओवर यार, कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई ऐसा ये भी नहीं है कि भाई ये लोग कहीं जाना आना, यहाँ अपना दे आर एंजॉइंग एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम इन द कैबिन, आई वुड से। और इसके सीट्स वगैरह भी काफी मच चौड़े हैं कंपैरेटिवली टू एवरी 3rd AC एंड 2nd AC, सो हम लोग काफी रिलैक्स होके, ओवरनाइट जर्नी था हमारा, हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छा था, बहुत बढ़िया था, इन्होंने कटलेट सर्व किया था, उपमा सर्व किया था, और हम लोग ने टी लिया था, तो अच्छा था काफी। और सबसे अच्छा ये था कि इनका इनबिल्ट पैंट्री था, सो दैट दे हैव सर्व द ऑल हॉट बेवरेजेस ओवर हियर। स्टार्ट, गोवा पहुंच गए, सबकी हालत खराब है, बहुत है, नहीं सबको वॉशरूम जाना है, सबको वॉशरूम जाना है, कोई ट्रेन में वॉशरूम गया नहीं, अल्टीमेटली सबकी हालत खराब थी क्योंकि धूप है मला, नहीं सबको वॉशरूम जाना है, सबकी स्थिति स्फोटक हो रही है, गंभीर स्थिति है। तारा घाटी की खूबसूरत जर्नी के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ITC ग्रैंड गोवा।
और ये आते ही सबका फोटो सेशन शुरू हो गया यार। पहले ग्रूम से मिल लेते हैं। कहाँ गया निक्कू? हेलो हाय हेलो चाचा लोग। आलोक चाचा एक दिन पहले आ गए क्योंकि उनको फील आने में टाइम लगता है। निक्कू ये ऑल सेट एक्साइटेड। ये रहा मेरा बच्चा उठ गया। All sets for Aashi weds Yash. Nikku ki dulhaniya hai aur Aashi welcoming all ab family. Yes, welcome to the family gang. Ab bas aaj sangeet, kal baraat, parso phir yes, phir ghar. Phir ghar. Hello. To ye yahan ki staff hai. Welcome to room number 133. Hello madam. She's eating apple. Aana nahi. स्टे होगा फॉर नेक्स्ट थ्री डेज। वेलकम टू ITC, वेलकम टू गोवा ब्लॉग। सबसे जो बड़ा व्यू है वो तो मैं देखना ही भूल गया। तो ये छोटा सा बालकनी दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी सोफा और चेयर्स हैं, तो शाम को यहाँ पे बैठ के चाय वाय पी सकते हैं। हेलो, हम लोग हो गए अभी इवेंट के लिए रेडी। yes. और हाँ, आज संगीत का फंक्शन है तो आज ये है आरती का अटायर, ये है मेरा अटायर। चलिए आपको अच्छे से दिखाते थोड़ा सा, आइए। तो ऐसा है कुछ आज का हमारा अटायर। और आहाना ट्विन कर रही है मम्मा के साथ, तो उसको भी दिखाएंगे हम। वो चली गई अपने नाना नानी साथ, सो हम ताकि हम तैयार हो पाए। एंड आज तैयार हुए इतने टाइम बाद, सो लेट्स सी, चलो एंजॉय करते हैं। हम लोग अभी बग्गी से निकले हैं। बस आराम से। यहाँ पहुंच के हम दोनों ने देखा यश और आशी का फोटो शूट हो रहा था, और इनको देख के सच में ऐसे लगा कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। और ऐसे हुई संगीत के शाम की शुरुआत, और आपके लिए लाए हैं हम लोग एक छोटी सी झलक। Oh,
Me gusta. No le bajamos, a nunca paramos. De los topados. एंड में देखिए कैसे यश ने स्टेज पे आके अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। फिगर कैसा है फिगनी? अरे ये आइसक्रीम ही है यार। आर्यन मेबी आई विल हैव सम मोर। रौनक मस्त है। वो क्या है आइसक्रीम और फिरनी के बीच का? हाँ ये शिखर जो उठा है बेरीज है, बेरीज है, बेरी आइसक्रीम है। खाना खाके सबने बहुत सारी फोटोज ली, बहुत सारी सेल्फीज ली और उसके बाद आज का ये संगीत का प्यार भरा दिन खत्म हो गया।